बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम बहुत जल्द अपने पुराने रंग रूप के साथ वापस लौटने जा रहा है। दो सीजन की शानदार सफलता के बाद इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। फैंस को लंबे समय से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार था। अब आश्रम पार्ट 3 जून को मैक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाला है। कुछ दिन पहले रिलीज हुई सीरीज के ट्रेलर पर ईशा गुप्ता भी नजर आई थी। वह इस सीरीज में बॉबी देओल के साथ रोमांस करते नजर आएगी और बोल्डनेस का तड़का लगाते नजर आने वाली है। मैक्स प्लेयर में ईशा गुप्ता सोनिया का किरदार निभाने वाली है। ट्रेलर देखकर यह तो साफ कहा जा सकता है कि सीरीज में ईशा गुप्ता की एंट्री हो चुकी है और काफी धमाकेदार एंट्री हुई है। रिलीज होने के बाद ये हर कोई जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि आखिर ईशा गुप्ता की आश्रम में एंट्री कैसे हुई और वो इस रोल में कैसे ढली। तो बता दें कि इस बात का खुलासा हो चुका है कि अभिनेत्री को ये रोल कैसे मिला। दरअसल मैक्स प्लेयर पर आश्रम का मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें ईशा गुप्ता खुद बता रही है कि वो आश्रम 3 का हिस्सा कैसे बनी। शेयर किए गए वीडियो में ईशा गुप्ता बता रही है कि इस रोल के लिए उन्होंने कितने मेहनत करनी पड़ी। वीडियो में ईशा गुप्ता कह रही है कि वो आश्रम के नए सीजन का हिस्सा है और इसमें वो सोनिया का किरदार निभाने वाली है। इस सीरीज का निर्माता प्रकाश झा है। ईशा ने बताया कि पिछले साल जब लॉकडाउन था तो दिल्ली वापस आ रही थी, तब उन्हें अपने परिवार के साथ आश्रम देखने को मिला जो उसे काफ़ी पसंद आया। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें भी सीरीज में काम करना चाहिए। तब ईशा देओल को प्रकाश झा ने फ़ोन किया और बताया कि सोनिया नाम का किरदार है जो उन्हें काफ़ी पसंद आया। वीडियो में ईशा गुप्ता ने पहले दिन की शूटिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अभिन एक्ट्रेस ने बॉबी देओल की भी खूब तारीफ की और ये भी कहा कि सोनिया का किरदार किंग्स मेकर साबित होगा। बता दें कि फिल्म 3 जून को रिलीज होने वाली है।